वैलिकम डर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर खाकाम हुमान उम्मीद है आप लोग अपने घरों में बखैर याफियत से होंगे और अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ पेपर्स वगैरह पे भी फोकस कर रहे होंगे डिया स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था आज हमने थर्ड चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको स्टडी करना है इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है जो हमारा टॉपिक है वो है पेडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जैसे एटॉमिक साइज है शीडिंग इफेक्ट है आइनोदेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अफेनिटी है एलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनके अंदर पेडिसिटी हमारे पास आती है मतलब उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने पेरी टेबल के अंदर जो है उनका बिहेवियर उनका ट्रेंड वगैरह जो है वो चेक करना है तो हमारा टॉपिक एजेंडा तो था उसमें यह है कि सबसे पहले हमने अटामिक साइज को डिस्कस करना है अटामिक साइज़ की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल उसका ट्रेंड इसी तरह शीडिंग इफेक्ट उसकी डेफिनेशन उसकी एग्जांपल वगैरह और उसका ट्रेंड जो है वो हमने देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है अटामिक साइज या अटामिक रेडियस की डेफिनेशन तो अटामिक रेडियस की डेफिनेशन ये है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ़ टू बॉन्डेड एटम्स यानी जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उन एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होता है जब उन डिस्टेंस का हम हाफ कर लें तो हमारे पास वो क्या बन जाता है अटामिक रेडियस बन जाता है वैसे हम जब अटामिक साइज को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस फ्राम सेंटर टू आउटर मोशल ऑफ एन एटम कि किसी भी एटम का उसके सेंटर से आउटर मोशन तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम अटामिक साइज का नाम देते हैं लेकिन जब अटामिक रेडियस की बात करते हैं तो हम डेफिनेशन में यूँ लिखते हैं कि जब दो बॉन्डेड एटम्स अगर एक एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस से आउटर मोशन तक का डिस्टेंस जो है वो अटामिक रेडियस साइज कहलाता है लेकिन जब एटम दो होंगे तो उन दोनों एटम के जितना भी डिस्टेंस बनता है जब डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे तो वो हमारे पास हाफ डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल गिवन है कि जब दो कार्बन एटम को आपस में हम मिक्सअप करते हैं उनको आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वन फिफ्टी फोर पी एम पी एम से मुराद पीकोमीटर होता है लेकिन जब इस वन फिफ्टी का हम हाफ़ करते हैं तो वो हमारे पास 77 सेवन पिकोमीटर बनता है और इस 77 सेवन पिकोमीटर को हम कार्बन एटम का जो है वो अटामिक रेडियस का नाम देते हैं अब हमने देखना है इसका पेरियारिक टेबल के अंदर अटामिक साइज या अटामिक रेडिस का ट्रेंड क्या होता है तो अटामिक साइज या अटामिक रेडिस जो है वो पीरियड के अंदर हमेशा डिक्रीज़ करता है और ग्रुप में क्या करता है वो इक्रीज़ करता है अब पीरियड में डिक्रीज़ क्यों करता है रीजन हमारे पास है क्योंकि पीरियड के अंदर जो अटामिक साइज़ है वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाता है अब अटामिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों करता है उसकी रीज़न ये है कि पीरियड के अंदर अटामिक नंबर सक्सेसिवली यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है वन बाई वन तो जब अटामिक साइज़ हमारे पास डिक्रीज़ करेगा यानी एटॉमिक नंबर इनक्रीज़ करेगा उससे जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो इनक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज़ करता है तो वो न्यूक्लियर चार्ज तमाम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है जिससे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है वो इनक्रीज़ कर जाती है तो इन्हीं फोर रीज़न की बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अटामिक साइज़ है वो पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करता है जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि अटामिक साइज़ इन पीरियड टू यानी सेकंड पीरियड के अंदर सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास वो लिथियम है और जो लास्ट एलिमेंट है वो नियोन है तो लिथियम का अटामिकाइज या अटामिक, अटामिक रेडियस जो हमारे पास हैफ्टी वन फिफ्टी टू पीकोमीटर है लेकिन नियन का हमारे पास जो है वो सिक्सटी नाइन है तो यहाँ से हमें ये नज़र भी आ रहा है कि जो अटामिक रेडियस है वो पीरियड के अंदर लिथियम से नियोन तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है अब ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज करता है तो उसकी भी हमारे पास रीजनस ये हैं कि ग्रुप के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं उससे हमारे पास क्या होता है जो अटामिक साइज है वो भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है जब अटामिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियस की वैले शेल पर जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे पास वो डिक्रीज़ करेगा जिससे हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है तो इन रीजन की बेस पे हम कहते हैं जो अटामिक रेडियस है वो ग्रुप में इंक्रीज़ करता है जैसे एग्जांपल ये है कि साइज इन ग्रुप वन ग्रुप वन अगर हम पहले ग्रुप के अंदर देखते हैं तो पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है हमारे पास लिथियम उसका साइज़ जो अटामिक रेडियस है वन फिफ्टी टू पीकोमीटर है लेकिन सबसे लास्ट एलिमेंट पहले ग्रुप का हमारे पास वो है सीजियम और उसका जो अटामिक रेडियस है हमारे पास वो टू सिक्सटी फाइव पीकोमीटर होता है तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि जो अटामिक साइज या अटामिक रेडियस है वो ग्रुप के अंदर इनक्रीज़ करता है और पीरियड के अंदर जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करता है उसके बाद एक और अहम बात हमारे पास ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं अब ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएबल जो जो अपनी वैलेंसी को चेंज करते हैं तो अटामिक साइज जो ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है वो हमेशा पीरियड के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन शो करता है मतलब वो चेंज होता रहता है अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका हमारे पास जो अटामिक साइज़ या अटामिक रेडियस है वो वेरिएशन शो क्यों करते हैं मतलब कहीं इंक्रीज़ करता है फिर उसके बाद डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज़ करता है तो उसकी रीज़न क्या है तो उसकी रीज़न ये है कि ड्यू टू इकम्प्लीट डी सबशेल कि उन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो डी सबशेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं तो उस डी सबशेल के इनकम्प्लीशन की वजह से यानी कि नामकमल होने की वजह से हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अपने अटामिक साइज़ या अटामिक रेडियस के अंदर जो है वो वेरिएशन शो करते हैं उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है शील्डिंग अफेक्ट तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन ये है कि द अफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट सॉरी द अफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन आर शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ हमारे पास ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरम्यान जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को अपनी तरफ सिर्फ हाइंड कर लेते हैं वो उस अट्रैक्शन को बाहर नहीं जाने देते तो इट मींस अब उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम हो जाती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी अट्रैक्शन को कम कर देना उस कुत को कम कर देना हमारे पास क्या कहलाता है वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या कहलाता है तो एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चार्ज को फील करता है जो उसको महसूस कर रहा होता है तो उस न्यूक्लियर चार्ज को महसूस करना जो एक्चुअल चार्ज महसूस हो रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का चाहे वैलेंस शेल में है चाहे वो इनर शेल के अंदर होता है तो उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब हमने देखना है कि अटामिक uh, साइज़ या शीडिंग इफेक्ट का जो हमारे पास ट्रेंड होता है वो ट्रेंड ये होता है कि जो शीडिंग इफेक्ट है वो हमारे पास पीरियड के अंदर वो कॉन्स्टेंट रहते हैं मतलब वो पीरियड के अंदर ना इंक्रीज़ करते हैं ना डिक्रीज़ करते हैं लेकिन ग्रुप में जो हमारे पास है वो शीडिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर हमेशा इंक्रीज़ करता है क्योंकि ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है तो फोर्स ऑफ़ अट्रैक्शन के डिक्रीज़ करने का दूसरा नाम ही हमारे पास क्या होता है वो शीडिंग इफेक्ट कहलाता है तो इट मीनस शीडिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड के अंदर हमेशा कॉन्सटेंट रहते हैं लेकिन ग्रुप के अंदर क्या करता है वो अपने आप को इनक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हमारे पास एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ करते हैं तो जैसे ही शेल इंक्रीज करते हैं एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उससे हमारे पास पीरियड के अंदर जो है वो कॉन्सेंट रहता है लेकिन ग्रुप के अंदर हमारे पास जो एटम का साइज़ इंक्रीज़ करने से शीडिंग इफेक्ट हमारे पास ग्रुप के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है तो डे स्टूडेंट यही हमारा आज का लेक्चर था उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी मज़ीद एक्ज़ाम्पल्स इन से दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ैम्पल्स हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे पास कि किस एलिमेंट का अटामिक्स साइज या अटामिक रेडिस कितना होता है और शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास है वो कितना इन्फॉर्मेशन ईजी बनाता है वो कैसे बना रहा होता है तो ये सब बातें बुक के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग हाफि